अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? होप्सो के सब आ गए हैं, जो जो एक्टिव मेंबर्स थे। चलें जी, मुझे बताएं मेरी आवाज़ क्लियर है, फिर हम लोग आज का जो अपना सेशन है वो स्टार्ट करते हैं। जी, आज का हमारा जो है सेशन वो है हाउ टू क्रिएट बैनर। तो आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगी कि हम लोगों ने कैनवा पर ब्लैंक टेम्पलेट लेके कैसे हम लोगों ने अपना जो है बैनर एक क्रिएट करना है। तो हम लोग सिंपल यहाँ पर जो है, हम लोग यहाँ पर पहले कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने कैनवा अपना ओपन किया और कुछ मेंबर्स यहाँ पर पूछ रहे थे कि ये स्किल जो है हम लोग मोबाइल पे भी कर सकते हैं। बेसिकली आप लोग मोबाइल से भी इजीली कर सकते हैं, सिंपल। जैसे हम लोग प्ले स्टोर पर जाके ऐप डाउनलोड करते हैं ना कोई भी, लाइक फेसबुक वगैरह, ऐसे ही आप लोगों ने जाके वहाँ से ऐप डाउनलोड करनी कैनवा। कैनवा डाउनलोड करने के बाद आपने उसे लॉग इन करना है अपने मेल के साथ या अपने फेसबुक अकाउंट के साथ उसे अटैच कर सकते हैं। सिंपल ये वे है आपका कैनवा मोबाइल पे यूज करने का। तो आप लोगों ने क्या करना है, आज मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ कि हम लोगों ने ब्लैक टेम्पलेट लेके उससे हम लोगों ने अपनी डिजाइन जो है वो कैसे करनी है। तो सिंपल हम लोग यहाँ से सर्च बार पे आते हैं। सर्च बार पे आने के बाद हम लोग यहाँ पर लिखते हैं जी, हम लोग यहाँ पर आते हैं और हम लोग लिखते हैं फेसबुक पोस्ट। लाइक हमने फेसबुक पोस्ट से रिलेटेड कोई बैनर क्रिएट करना है, तो यहाँ पर जैसे मैंने आप लोगों को अपने हर सेशन में बताती हूँ कि यहाँ पे हमें डिजाइन टेम्पलेट भी मिल जाते हैं, उसे भी हम लोग एडिट कर सकते हैं। बट आज जो मैं आप लोगों को सिखाऊंगी वो ये सिखाऊंगी कि हम लोग ब्लैक टेम्पलेट लेके उस पर हम लोग कैसे डिजाइनिंग कर सकते हैं। लाइक हम लोगों ने कस्टमाइज बनाना है कि हमारे पास रिक्वायरमेंट्स है, ये चीजें मेरे बैनर में ऐड होनी चाहिए। तो सिंपल आज मैं आप लोगों को वो बनाना सिखाऊंगी ब्लैक टेम्पलेट लेकर। तो सिंपल हम लोगों ने यहाँ से एक ब्लैक टेम्पलेट जो है वो सिलेक्ट कर लिया है। बैनर सेलेक्ट करने के बाद हम लोग यहाँ से जो है कलरिंग चूज करेंगे। सबसे पहले जो मेन हमारी चीज़ होती है वो होती है बैकग्राउंड। तो सिंपल हम लोग यहाँ पर जाते हैं और इस पर सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम लोग यहाँ से जी कलर सेलेक्ट करते हैं। हमें यहाँ से जी चाहिए कोई, अगर हमें यहाँ से प्लेन मतलब जस्ट एक कलर में चाहिए तो सिंपल हम यहाँ से वन कलर सेलेक्ट करेंगे। और अगर हमें ग्रेडियंट कलर में चाहिए, लाइक आपने देखा होगा कि एक बैनर होता है, जो बैनर होता है वो डबल शेडेड दे रहा होता है, तो डबल शेडेड कैसे होगी वो मैं आप लोगों को आज सिखाऊंगी। सिंपल हम लोग यहाँ पर जाएंगे एलिमेंट्स पर। एलिमेंट्स पर जाने पर यहाँ पे हम लोग जो है सर्च बार में लिखेंगे ग्रेडियंट कलर। जब हम लोग ग्रेडियंट कलर यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो है काफी ज्यादा डिजाइन वगैरह यहाँ पर हमें जो है कलर वगैरह शो हो जाएंगे। तो जैसे ये है, हम पहले इसको यहाँ से रिमूव करते हैं, इसको वाइट करते हैं। ये हमने अपना जो हमारा टेम्पलेट था वो हम लोगों ने व्हाइट कर लिया। अब ये देखें, यहाँ पर जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि ग्रेडियंट कलर लिखेंगे, तो ग्रेडियंट कलर लिखने के बाद हमारे यहाँ पर काफी ज्यादा कलर शो हो जाएंगे, फोटोज में जाएंगे, पिक्चर्स में जाएंगे। तो यहाँ पर हमें जो है वो कलर्स की कैटेगरी शो हो जाएगी। नीचे हम लोग स्क्रॉल करेंगे तो हमें यहाँ पर जो है वो कलर्स की कैटेगरी, ये देखें जैसे ये एरो आ रहा है, ये है कलर, तो इसमें ये देखें ये है। तो यहाँ से हम लोग जो है कलर अपना सेलेक्ट करेंगे। अगर ऑल पे जाएंगे तो हमें ऑल कैटेगरीज यहाँ पे शो हो रही होंगी। हम लोग यहाँ से भी सिंपल जो है अपना कोई भी ब्लैंक कलर लेके ग्रेडियंट कलर सेलेक्ट करके हम उसकी भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो सिंपल हम लोग यहाँ से जो है एक कलर सेलेक्ट करते हैं, लाइक जैसे मैंने ये वाला कलर सेलेक्ट किया। अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसके जी क्रॉप करेंगे। क्रॉप कैसे करेंगे, क्रॉप हम इस वे से करेंगे। सिंपल हम बैक आते हैं और ये यहाँ से हम कॉर्नर से जो इसको एडजस्ट करेंगे। अच्छा, एक और वे, हम लोग इसको यहाँ पर जब डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करने के बाद हम यहाँ से कलर एडजस्ट करेंगे कि हमें अपने कलर कौन कौन सा हमारे बैनर पे चाहिए। तो अगर हमें लाइट ब्लू और पिंक मिक्सअप पे चाहिए तो हम लोग यहाँ से जो है इसको और मूव करेंगे। मूव करने के बाद हम यहाँ से जी इसकी एडजस्टमेंट करेंगे, ये यहाँ इस कॉर्नर पे जाएंगे, यहाँ से हम जो है कलर सिलेक्शन करेंगे। सिंपल लाइक हम ऐसे कर लेते हैं, ये कलर हमारे यहाँ से एडजस्ट करते हैं। यहाँ से हमने कलर सिलेक्शन की और यहाँ पर आके हमने क्लिक किया। अब हम यहाँ से जो है इसे जूम करते हैं, यहाँ से ये लाइक हम लोग बिल्कुल कॉर्नर से जो इसे करेंगे, ये देखें आपके सामने हमने कॉर्नर से पकड़ा इसे यहाँ से, और देन हम लोग जो है इसकी यहाँ पर फुल पे एडजस्टमेंट कर लेते हैं। अब हम यहाँ से कॉर्नर से क्लिक करते हैं, देन ये वाला कॉर्नर हमारा व्हाइट रह गया। तो ये हमारा जी हो गया कलर। अब हम लोगों ने कलर की एडजस्टमेंट कर लिया। अब आप लोग कह रहे हैं कि इमेज कैसे लेनी है। मैंने जैसे बताया ना, हम लोगों ने गूगल पर आके ना कोई भी हमें लाइक OMG जैसे हम लोगों को इमेज चाहिए कि उनकी एक्सप्रेशन जो है वो बैनर पर वैसे हो। तो सिंपल मैंने क्या किया, यहाँ पर गूगल पर आके सर्च किया। अब ये मुझे जो टेम्पलेट मिला है, ये पिक्चर मिली है, मैंने इसे क्या किया सेव इमेज। अब हम मैंने ये डाउनलोड कर लिया।
डाउनलोड करने के बाद इसका बैकग्राउंड जो है वो मस्ट आप लोगों ने रिमूव करना है, बिकॉज अगर हम बैकग्राउंड रिमूव नहीं करेंगे, वो भी मैं आप लोगों को बता दें कि वो पिक्चर हमारी कैसे लगेगी। तो सिंपल मैं आप लोगों को यहाँ पर हम लोग जाएंगे अपलोड इमेज पे। जब हम लोग अपलोड इमेज पे जाएंगे ना, तो सिंपल मोबाइल पर भी यही सिस्टम है, जब हम अपलोड इमेज को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अपलोड मीडिया लिखा होगा। जब हम अपलोड मीडिया पे क्लिक करेंगे तो हमारे गैलरी में जो भी पिक्स होंगे वो हमें शो हो जाएंगे। तो सिंपल ये देखेंगे विद बैकग्राउंड और विदाउट बैकग्राउंड में कितना डिफरेंस होता है। अब ये देखिए ये विद बैकग्राउंड है। अब अगर हम इसकी एडजस्टमेंट करते हैं, लाइक मैंने यहाँ पर क्लिक किया और इसको मैंने उठा के यहाँ पर ऐड करना है, तो ये देखें डबल क्लिक जब हम करेंगे, डबल क्लिक करने के बाद हम किसी पिक्चर वगैरह को या टेक्स्ट को उठा के जो है उसको कॉर्नर पे इधर उधर लेके जाना है, तो वो हम इजीली ले जाएंगे। अब ये देखें, अब ये हमें बैकग्राउंड के साथ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। अब हमने क्या करना है, हमने इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है। बैकग्राउंड रिमूव कैसे करना है, हमें कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करने की नीड नहीं है। सिंपल हम लोगों ने गूगल क्रोम पर जाना है। गूगल क्रोम पर जाने के बाद हम लोगों ने यहाँ पर लिखना है जी रिमूव बीजी। जब हम यहाँ पर रिमूव बीजी लिखेंगे ना, तो वहां पर हम लोग अपनी जो पिक्चर है वो अपलोड करेंगे। ये फर्स्ट एप्लीकेशन देखिए रिमूव बीजी फ्रॉम इमेज, तो हम लोग इसको क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद देन हम लोगों ने यहाँ पर अपनी पिक्चर जो है वो अपलोड करनी है, उसका ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। सिंपल हम लोगों ने ये देखेंगे हमारे सामने एक शो हो गई है एप्लीकेशन। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हम लोगों ने अपनी पिक्चर अपलोड करनी है। ये देखें अपलोड इमेज लिखा हुआ है ना, और ड्रॉप अ फाइल, और हम लोग यहाँ पर जो है अपनी पिक्चर जो है वो ऐड करेंगे। ये देखें लाइक की यहाँ पर शो हो गई है अभी जो हमने पिक्चर यहाँ पर, ये देखें मैं बैक भी आप लोगों को देन यहाँ पे अपलोड करके दिखा देती हूँ। ये पिक्चर है हमारी, अब हम इसे क्या करते हैं ओपन करते हैं, यहाँ पर ये आ गई और हमने यहाँ से सिंपल डाउनलोड कर लेनी है। अब ये देखिए इसका बैकग्राउंड रिमूव हो गया। जब बैकग्राउंड रिमूव हो जाए हमने यहाँ पे डाउनलोड कर लेनी है। डाउनलोड करने के बाद ये देखिए जब डाउनलोड हो गई हमारी, हमने अपलोड मीडिया पे आके अपनी गैलरी से वो पिक्चर सिलेक्ट की। सिलेक्ट करने के बाद हम इसको यहाँ पर अब अपने बैनर पर एडजस्ट करेंगे। अब ये देखेंगे प्यारी भी लग रही है, अट्रैक्टिव लग रही है। अब हम क्या करेंगे, कॉर्नर से इसके साइज जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं। लाइक हमने इसको यहाँ पर एडजस्ट करना है, तो जब हम अपने टैब पे डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करने के बाद जो है हमने इसको एडजस्ट करना है। अब ये देखें, अब हम लोग यहाँ कॉर्नर से इसे जो है वो थोड़ा सा नीचे करेंगे, तो ये देखें ये हमारा इसका साइज ऑटोमेटिक इंक्रीज होगा। डबल क्लिक करके हमने इसको एडजस्टमेंट कर लिया। अब हमें इसका साइज जो है वो थोड़ा और इंक्रीज करना है, तो कॉर्नर से हम इसका साइज जो है वो इंक्रीज करेंगे। लाइक ये देखें, ये हमने इसका साइज इंक्रीज कर लिया। अब हमने इसको थोड़ा सा और इस तरफ करना है। लाइक ये देखें, अभी हमारे पास यहाँ पर सिलेक्ट हो गई। अब हमने क्या करना है यहाँ पर जी, अब हमने यहाँ पर जी टेक्स्ट ऐड करना है। अब हम टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि सिंपल टेक्स्ट चाहिए तो सिंपल टेक्स्ट भी हम यहाँ से ले सकते हैं। अगर हमको थोड़ा डिजाइन मतलब चाहिए टेक्स्ट, तो हम लोग यहाँ से डिजाइन टेक्स्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लाइक अब ये है तो हम इसको इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया हम लोगों ने, ये टेक्स्ट हमारा आ गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको एडिट करना है टेक्स्ट को। अब हमारी पिक्चर जो है वो हम फाइबर गिग से रिलेटेड बना लेते हैं फाइबर। अब हमने क्या करना है, अब हमने कॉर्नर से ही इसका साइज जो है वो थोड़ा सा छोटा करना है। ये हमारा साइज जो है थोड़ा छोटा हो गया। अगर हमने इसका कलर चेंज करना है तो सिंपल हमने इसे सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद हम लोग यहाँ पर आते हैं कलर्स पर, टेक्स्ट कलर। टेक्स्ट कलर पर आके हम लोग यहाँ से जो इसका कलर जो है टेक्स्ट का वो हम चेंज कर लेंगे। लाइक हमें यहाँ पर चाहिए, हम लोग यहाँ पर इसका कलर जो है वो येलोश कर लेते हैं। येलो भी कर सकते हैं, व्हाइट अगर अच्छा लगे। वो बैकग्राउंड के हिसाब से होते हैं कि हमारे बैकग्राउंड पे कैसा कलर अच्छा लग रहा है। तो सिंपल हम इसे व्हाइट करके देखते हैं, व्हाइट भी अच्छा लग रहा है। तो हम लोग सिंपल इसको यहाँ पर इसके एडजस्ट करते हैं। नीचे जो एरो का ऑप्शन आ रहा है ना, वहां से हम लोगों ने क्लिक करना है, वहां से हम लोगों ने उठाना है। अब हमने क्या किया, अब हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हमें एक और टेक्स्ट चाहिए। अब हमें जो दूसरा टेक्स्ट चाहिए वो हम लोग देख लेते हैं किस फॉर्म में होना चाहिए।
फ्री डिलीवरी ये वाला टेक्स्ट हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। ये हम लोग यहाँ पर करते हैं और जैसे हम लोगों ने दूसरा टैक्स सेलेक्ट किया था, अगेन हम दूसरा टैक्स सेलेक्ट कर लेते हैं बिकॉज नेट इशू की वजह से ना ये हमारा थोड़ा स्लो हो जाता है कैनवा। अब हम लोग यहाँ पर क्या लिखते हैं जी, यहाँ पर लिख लेते हैं गिग इमेज। गिग इमेज हम लोगों ने यहाँ पर लिखा। अब हमने इसका भी साइज यहाँ पे जो है वो थोड़ा छोटा करना है, तो सिंपल हम लोग यहाँ पर जाएंगे और इसका साइज यहाँ से हम लोग जो है वो छोटा कर लेंगे कॉर्नर से। मैं अगेन बता रही हूँ कि आप कह रहे हैं टूल ये कैसे यूज होगा, बिल्कुल कॉर्नर पर जाके हमने इसका साइज इंक्रीज करना है। और अगर हम लोगों ने मतलब लाइक इसको एक ही रो में करना है तो ये जो आप लोगों को एरो नजर आ रहा है यहाँ से हम एक ही रो में इसे कर सकते हैं। अब ये देखें लाइक मैंने इसे किया तो ये अब नीचे चला गया, बट हमें एक रो में करना है तो सिंपल हम लोग इसे यहाँ से जो है एक रो में कर लेंगे, ये जो व्हाइट वाला टूल हमें नजर आ रहा है। अब हम यहाँ से इसको जो है ये वाले एरो से उठाएंगे और यहाँ पर इसको ऐड करेंगे। अब भी हमें इसका साइज थोड़ा सा और जो है वो यहाँ से हमने छोटा करना है, तो कॉर्नर से ही हमने डबल क्लिक किया। डबल क्लिक करने के बाद हमने यहाँ से इसका साइज जो है वो छोटा कर लिया। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसे यहाँ पर ऐड करते हैं और जो फाइबर है इसको हम थोड़ा सा ऊपर लेके जाते हैं और इसका जो है हम लोग यहाँ से थोड़ा सा साइज जो है वो इंक्रीज करते हैं। बिल्कुल कॉर्नर से हम इसका साइज जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं। ये देखें साइज इंक्रीज किया, एरो से हमने उठाया इसे यहाँ पे हम लोगों ने एडजस्ट किया और ये वाला जो है हमारा गिग इमेज वाला टेक्स्ट इसको हम लोग यहाँ पर रख लेते हैं। अब हमने इसका कलर चेंज करना है, तो सिंपल जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग जब इसे सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद हम लोग यहाँ पर जाएंगे टेक्स्ट कलर पर, तो हम वहां से इसका टेक्स्ट का कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो सिंपल अब हम इसे जो है येलो करके देखते हैं। हम इसका भी जिग का भी कलर हम लोगों ने येलो करना है, सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हमने कलर पे क्लिक किया तो ये हमारा जो कलर है वो सिलेक्ट हो गया। ये देखें अब हमें फाइबर का अगर टेक्स्ट ज्यादा ही बोल्ड लग रहा है तो हम इसका भी यहाँ से जो है वो अटैलिक कर लेते हैं। इसे नहीं अटैलिक नहीं करना, हम लोगों ने सिंपल करना है, तो सिंपल हम यहाँ से इफेक्ट्स पे जाते हैं। इफेक्ट्स पे जाने के बाद यहाँ पे भी हमें जो है वो टेक्स्ट के इफेक्ट्स शो हो जाएंगे। अगर आप लोगों ने टेक्स्ट के इफेक्ट्स यहाँ पे ऐड करने हैं तो हम लोग यहाँ पर इफेक्ट्स भी ऐड कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने एक और यहाँ पर टेक्स्ट ऐड करना है बिकॉज ये फाइबर गिग को तो हो गई हमारी यहाँ पर टेक्स्ट ऐड। अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोगों ने यहाँ पर एक और टेक्स्ट सिलेक्ट करते हैं। टेक्स्ट सिलेक्ट करने के बाद हमें कैसा टेक्स्ट चाहिए जो थोड़ा सा स्टाइलिश हो, बिकॉज ये सिंपल है। अब हम लोगों ने जो हमें चाहिए ना टेक्स्ट वो हम लोगों ने यहाँ पर थोड़ा सा स्टाइलिश फॉर्म में ले लेना है। हम लोग यहाँ से जी टेक्स्ट देख लेते हैं थोड़ा जो हो स्टाइलिश फॉर्म में। यहाँ पर जी देख लेते हैं, नीचे आते हैं थोड़ा। यहाँ पे हमें बहुत ज्यादा फॉर्म में जो है वो टेक्स्ट मिल जाएंगे। ये देख लेते हैं टेक्स्ट कैसे लगते हैं हमारे गिग पे, हमारे बैनर पे। ये हम लोगों ने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद इसको हम लोग टेक्स्ट को जो है ये वाला टेक्स्ट हमने रिमूव करना है। अब हम लोग यहाँ पर जो है वो टेक्स्ट अपना ऐड करते हैं, हमें यहाँ पर चाहिए डिजाइन। अब हम इसको यहाँ से जो है कलर चेंज करते हैं। हमने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद हम लोग यहाँ पर ए पर क्लिक किया टेक्स्ट,
कलर पर, टेक्स्ट कलर पर हम लोगों ने क्लिक करने के बाद, इसका कलर जी हम लोगों को चाहिए रेड करके देखते ही नहीं, रेड नहीं करते हम लोग, कर लेते हैं जी वाइट ही करते हैं हम, इसे वाइट चाहिए। यहाँ पे हम लोगों ने क्लिक किया। अब हम इसका जो है यहाँ से साइज जो है वो इंक्रीज करते हैं, यहाँ से कॉर्नर से साइज इंक्रीज करते हैं हम। हमें ये बस इस फॉर्म में चाहिए। अब हमने क्या करना है, इसको यहाँ पे एडजस्ट करना है। हमने इसकी थोड़ा सा इसके गिग के ऊपर डी लेके जाना है, थोड़ा सा और नीचे करके देखते हैं एक मरतबा। नहीं, टेक्स्ट तो हमें यही चाहिए। इसको हम लोग थोड़ा सा नीचे करते हैं, लाइक यहाँ पर। अच्छा, इसे हम यहाँ पर करते हैं, और जो इसके ऊपर वाला है ना, ये वाला टेक्स्ट, इसको हम थोड़ा सा इधर को लेके आते हैं। अब हमने ये जो है ये हम यहाँ पर ऐड करते हैं, ये देखें। अब हम जो है हम इसको थोड़ा सा इधर को करते हैं, ये हमारी जो है डिजाइन रेडी हो गया। अब अगर हमने इसको और थोड़ा सा नीचे करना है, तो हम लोगों ने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद हमने जो है इसको थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं। ये देखिए गिग डिजाइन। अब हम लोगों ने जी ये हमारा बैनर बिल्कुल सिलेक्ट हो गया। अगर हम लोगों ने और इसमें कोई टेक्स्ट ऐड करना है, लाइक जैसे नीचे से ये बिल्कुल यहाँ से बिल्कुल ये खाली लग रहा है ना, तो हम लोगों ने यहाँ पे भी टेक्स्ट ऐड करना है, तो सिंपल हम लोग यहाँ पर सिंपल टेक्स्ट ही ऐड करते हैं। अब अगर हमें ये वाला टेक्स्ट चाहिए ना, ये वाला गिग इमेज वाला, तो इसको भी हम कॉपी कर सकते हैं, वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट बताती हूँ। पहले हम लोग ये नीचे जो हम लोगों ने लिखना है, हम लोग नीचे लिख लेते हैं जी चैंट, हम लोग नीचे इसका एडिट कर लेते हैं, स्टैंड आउट फ्रॉम फॉर फ्रॉम। अब हम इसका जो है इसका भी हम लोगों ने कलर चेंज करना है, इसको भी हमने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद हम लोगों ने यहाँ से इसका कलर चेंज कर लेते हैं। हमने इसका कलर करना है जी वाइट ही कर लेते हैं। वाइट करने के बाद हमने यहाँ से इसे बोल्ड किया, बोल्ड करने के बाद इसे हम नीचे यहाँ पे एडजस्ट करते हैं बिल्कुल यहाँ पे। देखें यहाँ से बिल्कुल हमें खाली लग रहा है ना, तो यहाँ पे हम लोगों ने ये एडजस्ट किया। अब हमें यही वाला जो टेक्स्ट है हमें चाहिए, तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, इसे यहाँ पर कर लेंगे कॉपी, देन हम यहाँ पे क्या करेंगे पेस्ट। कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम यही वाला सेम टेक्स्ट जो है वो पेस्ट कर लेंगे। कॉपी, देन हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं पेस्ट कर लेते हैं। ये हम लोगों ने यहाँ पर पेस्ट कर लिया, हमारी पिक्चर क्यों चली जाती है। हम लोग यहाँ से सिलेक्ट ही कर लेते हैं, बिकॉज अगर वो करते हैं तो वो पिक्चर का इशू हो रहा है। वैसे यहाँ पर ऐसे सिंपल जो है हम लोग टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं, ये वाला टेक्स्ट था, तो हम इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हम लोग यहाँ पर जस्ट हम लोगों ने क्या लिखना है, स्टैंड आउट फ्रॉम कॉम्पिटिशन लिख लेते हैं, स्टैंड आउट। हम लोग यहां पर लिखते हैं कंपटीशन, कंपटीशन। अब हमने एक ही रो में करना है, तो यहां से ये वाला जो टूल आप लोगों को नजर आ रहा है ना, इस टूल से हम लोगों ने जो है इसको एक ही रो में कर लेना है। सिंपल ये वाले टूल को हम लोगों ने यहां से सिलेक्ट किया। अब हमने इसको थोड़ा सा ऐसे किया, तो ये एक ही रो में हमें टेक्स्ट जो है वो शो हो जाएगा। अब हमने इसका साइज इंक्रीज करना है, तो साइज इंक्रीज और डिक्रीज हम लोग यहाँ से ही कर सकते हैं बिल्कुल कॉर्नर से ही, तो हम लोगों ने यहाँ से सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद
हमने इसे ये एरो से उठाया और नीचे हम लोगों ने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अभी भी इसका साइज बहुत ज्यादा है, तो हम इसका साइज यहाँ से अगेन जो है वो छोटा कर लेते हैं। लाइक ये देखें, अब हम लोगों यहाँ पे इसे ऐड कर लिया। अब हमने इसका कलर चेंज करना है, लाइक ब्लैक हमारे पूरे बैनर में नहीं है, तो सिंपल हम लोग यहाँ से इसे सिलेक्ट करेंगे। सिंपल हम लोग यहाँ से इसका कलर जो है वो चेंज कर लेंगे। अब ये हमारा बैनर जो है वो परफेक्ट जो है डिजाइन हो गया है। अब हमने क्या करना है, हम लोगों ने शेयर के ऑप्शन पे जाके इसे हम लोगों ने डाउनलोड कर लेना है। ये देखिए कॉपी लिंक भी है और ये डाउनलोड का ऑप्शन है, तो सिंपल हम लोग यहाँ पे डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड हम लोगों ने अगर पीडीएफ में करना है तो यहाँ से हम लोग पीडीएफ सेलेक्ट कर लेंगे, और अगर हमने पीएनजी फॉर्म में करना है तो पीएनजी फॉर्म में हम लोगों ने यहाँ पर सेलेक्ट किया, ये पीएनजी फॉर्म में, या पीएनजी फॉर्म में कर लेते हैं। पीएनजी फॉर्म में हम लोगों ने सेलेक्ट करके ये देन हम लोग यहाँ से इसे डाउनलोड कर लेंगे। ये हमारी पिक्चर डाउनलोड हो जाए, देन मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये हमारा यहाँ पे जो है बिल्कुल डिजाइन हो गया है और बिल्कुल यहाँ पे जो है एडिट हो गया है। अब हमारा जो हुआ यहाँ तक सेशन खत्म। अब मुझे बताएं आप लोगों का कोई क्वेश्चन क्यूरी, ये सेव भी हो गया, मैं इसको ओपन करके भी दिखा देती हूँ आप लोगों को। मुझे बताएं यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है, किसी का कोई क्वेश्चन क्यूरी है तो वो पूछे। वही पीएनजी के अंदर सेव करते हैं या जेपीजी में, तो जी, अगर एडिट दोबारा करना हो इसी बैनर को तो पीएनजी में फाइल को सेव करना चाहिए या जेपीजी में या पीडीएफ में? नहीं, अगर हम लोगों ने इसको दोबारा एडिट करना है तो हमें सोर्स फाइल में रखना होगा। वो नीचे ऑप्शन आ रहे होते हैं, वहीं पर हम लोगों ने लिखा हुआ होता है, वहां से हम लोगों ने वो सेव कर लेना है। पीएनजी फॉर्म में अगर हम लोग पीडीएफ में सेव करेंगे तो वो पीडीएफ फॉर्म में बिल्कुल क्लियर पिक्चर होती है, मतलब उसके पिक्सल जो है वो फटते नहीं है, अगर हम पीडीएफ फॉर्म में से सेव करते हैं तो। लाइक ये देखिए, अब ये हमारे यहाँ पर जैसे क्लियर आप लोगों को नजर आएगी ना, मैं आगे आप लोगों को ओपन करके दिखा देती हूँ। हमारे यहाँ पे ओपन हो जाए, अगर जी, मैं उसको अगर एडिट करना है तो फिर उसको हम कहाँ रखेंगे? सर वो पीएनजी फॉर्म, वो सॉरी मैंने आपको कहा वो हम लोगों ने सोर्स फाइल में रखना है। लाइक अगर हम लोग यहाँ से कट करके इसे अगेन ओपन करेंगे तो वो हम लोग यहाँ पे जो है वो एडिट कर सकते हैं, और वहां पर लिखा भी होता है ना, तो वहां से हम लोगों ने वो जो है सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद हम लोगों ने इसे जो है वो ओपन करना है। क्लियर है यहाँ तक आप सबको?